नमस्ते बच्चों, कैसे आप सब लोग? अच्छे हैं? वेरी गुड। पढ़ाई कर रहे हैं ना? यस, वेरी गुड। मुझे ऑनलाइन क्लासेस में दिखा ना आपने क्या क्या लिखा है, ठीक है? चलो थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं। तो आपकी हिंदी की नोटबुक निकालो और हिंदी की नोटबुक में अब हम फिर से थोड़े से लेटर्स लिखना चालू करेंगे, ठीक है? तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ हिंदी का एक नया लेटर, वो है ध। और ध से होता है धनुष। आप सब लोग जानते हैं ना, पुराने जमाने में जो राजा महाराजा लोग होते थे और उनके सैनिक जो होते थे वो धनुष यूज करते थे। तो चलो निकालते हैं ध और ध से धनुष। आप हेडिंग दीजिएगा आज की डेट CW और यहाँ पर हम लिखेंगे हिंदी का नया लेटर ध। ऐसे फिर नीचे से ऐसे निकलना है हाफ सर्कल, फिर एक स्टैंडिंग लाइन, ऊपर एक स्लिपिंग लाइन। ये बन गया आपका ध। और ध से होता है धनुष। जैसे हम लोग बी निकालते हैं ना, उसे स्लांट निकालना है आपको। बी जैसे ही निकालना है लेकिन ये लाइन थोड़ी स्लांट निकालनी है इस तरह से। फिर यहाँ सेंटर से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, और उसे यहाँ पर ये है एरो, उसका धनुष का एरो इस तरह से। तो ये बन गया आपका ध से धनुष। चलो ये बीच की लाइन छोड़ो और यहाँ पर वापस लिखना है हिंदी का अक्षर ध और ध से धनुष इस तरह से। बहुत आसान है निकालने में। जैसे हम इंग्लिश का बी निकालते हैं उसे स्लैंट निकालेंगे तो ये बन जाता है। फिर से ये लाइन छोड़िए और निकालिए ध। क्या लिख रहे हैं आज आप? आज हम लिख रहे हैं हिंदी का एक नया लेटर, वो है ध। और ध से होता है धनुष। और क्या क्या होता है ध से? आपको ढूंढना है और मुझे बताना है ध से और क्या क्या होता है। चलो एक बार वापस लिखते हैं ध। और आपकी हिंदी की जो आओ गुनगुनाए बुक है उस बुक में भी आपको ये अक्षर जो है ध, ये ढूंढना है और उसे सर्कल करना है और मुझे बताना है आप ऑनलाइन क्लासेस में आपने ढूंढा या नहीं। हिंदी का नया अक्षर ध और ध से होता है धनुष इस तरह से। और ध से किसी का नाम है क्या? ध से धवल हो सकता है। है क्या किसी का नाम? बताओ मुझे, आपके भाई का या आपके कोई फ्रेंड का नाम ध से चालू होता है क्या? तो आप मुझे वो बताओ। और इस तरह से आपके बुक में आप लिखोगे ध से धनुष। फिर बीच में एक लाइन ड्रॉ करो और इस तरफ पहला ये छोड़ना है और इस तरफ वापस आप लिखेंगे ध और ध से निकालेंगे धनुष इस तरह से। समझ में आया? फिर ये लाइन छोड़ेंगे और फिर यहाँ पे निकालेंगे ध इस तरह से। आपको ये साइड जो है ये साइड में भी ध से धनुष लिखना है। कम से कम आपको 5 times इस तरफ, 5 times इस तरफ। और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? HW। ये हमारा होमवर्क है। तो आप फर्स्ट पेज कीजिए, फिर थोड़ा ब्रेक लेके सेकेंड पेज करना है, ओके? तो प्लीज आज ये होमवर्क कर दो, जल्दी जल्दी से उसे अपलोड कर दो। बाय।